हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा पर आपका मन बिल्कुल नहीं भरेगा, और जिसे हम जीरो ऑयल के साथ बनाएंगे और साथ में टेस्टी चटपटी चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी दलिया। जी हाँ, हम दलिया से बनाएंगे, तो जिसे मैंने एक दो घंटे पहले इसको भिगा लिया था और ये अच्छे से भीग चुका है। ये देखिए, अच्छे से हाथों में मसल रहा है। तो अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। तो अब हम इसमें अच्छे से इसको धो लेंगे 2-3 पानी, और इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। तो धोने के बाद, सारा पानी निकालने के बाद हम इसे मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे, और साथ ही साथ में उसी कटोरी से हम आधी कटोरी यहाँ पे दही भी ऐड करेंगे। जिस कटोरी से दलिया लिया था उसी कटोरी से हम आधी कटोरी यहाँ पे दही भी यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, फाइन पेस्ट तैयार है। तो अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ बना है, बस थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना स्मूथ टेक्सचर ये तैयार हुआ है। तो चलिए, थोड़ा सा हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं, बाकी हम टेस्टी सी चटपटी चटनी तैयार करते हैं। तो चटनी के लिए हम यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया ले लेंगे, और इसमें डालेंगे एक टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्ची चटपटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और 2 चम्मच यहाँ पे कोकोनट पाउडर, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे 2-3 चम्मच दही। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी चटनी तैयार है, बहुत झटपट टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है। ये देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आया है फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा पानी डाल के जार को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो चटनी हमारी तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके लिए बहुत ही टेस्टी सा, इसको टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे तड़का। तो सबसे पहले तड़का पैन में हम तेल गर्म कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे जीरा, और यहाँ पे कड़ी पत्ता, और यहाँ पे राई के दाने। इनको अच्छे से चटकने के बाद आप यहाँ पे हरी मिर्ची भी या लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। तो चटकने के बाद हम इसे चटनी में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में, और इस चटनी को आप किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये झटपट भी बन जाती है। तो चलिए, चटनी तैयार है, हम अपने बैटर को देख लेते हैं। तो बैटर को भी थोड़ा रेस्ट मिल चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें 1 पैकेट इनो। इनो से इसे बहुत अच्छा फ्लफी हमारा नाश्ता बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। और इसमें डालेंगे चुटकी भर पानी। ये देखिए, पानी डालने से इनो में क्या असर हुआ है। बस इनो डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं हमने इसको फेंटना है, बस हल्के हाथों से चला लेना है। और इसको इनो डालने के बाद हम तुरंत ही इसे बनाएंगे। तो बस ये इतना ही, ये गाढ़ा होना चाहिए देखिए, ताकि जो हमारे पलटे में इस तरह से ये लग जाए। तो ये परफेक्ट तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाने। तो गैस में हम एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें हम थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे, और इसमें डाल देंगे हम अपना थोड़ा सा बैटर। बस इसे हमने, इसमें बैटर को यानी कि कच्ची से हमने नहीं हिलाना है। चाहो तो आप इसे थोड़ा सा पैन को इस तरह से हिला लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ये फैल जाए, या फिर इसे फैलाए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। थोड़ी ही देर में देखिएगा इसमें क्या, इसमें जालियाँ पड़ी हैं। देखिए, अभी मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है, ना ही मैंने इसमें ऑयल डाला है। तो इस स्टेज पर आप यहाँ पर ऑयल डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो, पर मैं इसे जीरो ऑयल के साथ बना रही हूँ, तो मैं इसमें तेल नहीं डालूँगी। तो देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है, दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हमने इसे सेक लेना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा नाश्ता है आज का। ये देखिए, इसमें जालियाँ कितने अच्छे से पड़ी है। मैं ज़रा कैमरे को जूम आउट कर लेती हूँ, देखिए कितना प्यारी इसमें जालियाँ पड़ी है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता होता है, और हमारा अलटते पलटते हम इसे इसी तरह से सुनहरा कलर दे देंगे। तो ये हमारा नाश्ता तैयार है, इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे।
तो दलिये से कैसी लगी आज की ये रेसिपी फ्रेंड? दलिये से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। बच्चों को खिलाइएगा, बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और खुद भी खाइएगा, फैमिली को भी हेल्दी रखिएगा। एकदम जो हमारा ये नाश्ता है बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही इजीली ये टूट भी जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हेल्दी रेसिपी। आपके साथ मिलती हूँ ऐसे ही और टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।